वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर्वर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम भजते जगतगुरु। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में और साथ ही स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म यात्रा में। धर्म यात्रा में हम आज आपको सैर कराएंगे कुरुक्षेत्र की, जो कि धर्म नगरी है, जहां पर कई मंदिर हैं। आपको सैर कराएंगे भद्रकाली मंदिर की भी और बिरला मंदिर की भी, उसके अलावा दर्शन कराएंगे ब्रह्म सरोवर के। तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए, देखते रहिए धर्म यात्रा। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। कुरुक्षेत्र की इस धर्म यात्रा में हम सबसे पहले आपको लेकर आए हैं ज्योतिसर में। जी हाँ, ज्योतिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जी हाँ, यहीं से कहा जाता है कि यहीं से जो है महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ, उससे पहले वाली जो संध्या थी, उस दिन यहाँ पर पहुँच कर जो है गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया और उसके बाद अर्जुन विजय भी हुए, पांडवों ने जीत हासिल की। ज्योतिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की भी खूब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर भी बहुत सारी खास चीजें हैं जिन पर हम नजर डालेंगे। कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर ज्योतिसर गीता उपदेश स्थली है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और सर का अर्थ है तालाब। ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा है, जो कि एक हिंदू तीर्थ स्थान भी है। कुरुक्षेत्र पिहोवा मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है और माना ये भी जाता है यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसी वट वृक्ष के नीचे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और यहीं पर अर्जुन को अपना विराट रूप श्री कृष्ण भगवान ने दिखाया था। जब हम यहाँ पर गए तो हमें इस जगह के बारे में और भी खासियतों का पता चला। जब आप ज्योतिसर में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक ऐसा ही सरोवर देखने को मिलेगा जो इतना पवित्र है कि अगर आप यहाँ पर स्नान करते हैं, यहाँ को लेकर भी कुछ मान्यताएं हैं। और यहाँ पर जो एक खास चीज़ हमें देखने को मिली वो ये कि यहाँ पर जो ये सामने जो आपको पुल नज़र आ रहा है, इस पुल के नीचे जब कोई ध्वनि उत्पन्न करता है या फिर कोई भजन गाता है, कोई भेंट गाता है, तो वो इस तरीके से गूंजती है कि ऐसा लगता है मानो स्पीकर यहाँ पर चल रहा हो। और जो सबसे अहम चीज़ यहाँ पर सुरीली आवाज़ जो है वो हमें यहाँ पर सुनने को मिली इस सरोवर में, इस ब्रिज के नीचे। देखा आपने इस अद्भुत जगह का अद्भुत नजारा। इसके बाद हमने रुख किया धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की बाकी पवित्र जगहों का, जहां पर हमें इससे भी ज्यादा भव्य चीजें देखने को मिली।
ब्रह्म सरोवर। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, नाम से ही जाहिर होता है कि ये सरोवर, इसका इतिहास ब्रह्मा के साथ जुड़ा है, जो ब्रह्मांड के निर्माता हैं उनके साथ जुड़ा है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि अगर सौर ग्रहण के वक्त यहाँ पर आकर अगर इस सरोवर में डुबकी लगाई जाए तो आपको हजारों अश्वमेध यज्ञों के जितना फल प्राप्त होगा। जी हाँ, यही कहा जाता है और मान्यता ये भी है, परंपरा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के पूर्वजों ने इसका निर्माण करवाया था और जब पांडवों की जीत हुई थी तो इसी सरोवर के बीच में एक टावर जीत के तौर पर बनाया गया था। ब्रह्म सरोवर हरियाणा राज्य के थानेसर में स्थित एक सरोवर है जो कि हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। 26 दिसंबर 2019 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था और इस अवसर पर भी ब्रह्म सरोवर में मेले का आयोजन किया गया था। तो कुरुक्षेत्र स्थित इस ब्रह्म सरोवर की हम बात कर रहे हैं जिसमें स्नान करने से आपको आपके पापों का भी प्रायश्चित आप कर सकते हैं। दिखाते हैं आपको कितना खूबसूरत नजारा यहाँ से नजर आता है जब ब्रह्म सरोवर पर नजर डाली जाती है। ये जो सरोवर है, इस सरोवर की चौड़ाई 1400 फीट है और लंबाई जो है 1800 फीट है। इस कुंड को काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है और इस कुंड में स्नान करने के लिए जो वक्त बेहतरीन रहता है वो सूर्य ग्रहण का वक्त होता है और गीता जयंती के दौरान भी यहाँ पर काफी भीड़ होती है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इनमें जो है अलग अलग जगहों पर मंदिर भी बनाए गए हैं। शिव का भी यहाँ पर मंदिर है, बिरला का भी यहाँ पर मंदिर है और पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र को भगवान ब्रह्मा द्वारा विशाल यज्ञ से जो है निर्मित किया गया था। यहाँ पर भगवान शिव का जो मंदिर है उस मंदिर तक एक पुल के माध्यम से पहुंचा जाता है और नवंबर और दिसंबर के महीने की अगर बात करें तो दीप दान जो है यहाँ पर किया जाता है और दीप दान का जो नज़ारा होता है बेहद खूबसूरत होता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ पर गीता जयंती का आयोजन किया जाता है जिसमें अलग अलग राज्यों की संस्कृति भी देखने को मिलती है जो कि अपने आप में बेहद खूबसूरत देखने को मिलती है। और रात के वक्त की अगर हम बात करें तो रात के वक्त यहाँ पर नज़ारा कुछ अलग ही तरह का होता है। अगर आप कभी भी कुरुक्षेत्र आते हैं तो ब्रह्म सरोवर आना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर आकर आपको जो सुकून मिलेगा, यहाँ पर आकर जो आप खूबसूरती और तस्वीरें देखें, शांत वातावरण जो आप देखेंगे वो वाकई काबिले तारीफ है। ब्रह्म सरोवर में जब हम पहुंचे तो कई लोग ऐसे थे जो ब्रह्म सरोवर को घूमने के लिए आए हुए थे। ब्रह्म सरोवर एक पवित्र जगह तो है ही, साथ ही यहाँ पर लोग घूमने के लिए आना भी काफी पसंद करते हैं क्योंकि ब्रह्म सरोवर में जाकर जो आपको शांति महसूस होगी, सरोवर में स्नान करने पर जो आपको सुकून मिलेगा और आपके पापों का प्रायश्चित आप कर पाएंगे, इसलिए लोग यहाँ पर घूमने आना भी काफी पसंद करते हैं। तो जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए पहुँचे थे, जो लोग कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहे थे, उनसे भी हमने धर्म यात्रा के बारे में जाना। यहाँ पे आके मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। आप यहाँ आके शांति से बैठ सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज ये जो कृष्ण जी का स्टैच्यू देख रहे हो आप, दिस आई हैव नेवर सीन सच स्टैच्यू, सो इट इज़ अ वेरी अमेजिंग प्लेस। आई वुड लाइक टू विजिट दिस प्लेस अगेन एंड अगेन। हमने कुरुक्षेत्र आए हैं, कुरुक्षेत्र घूमे हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत सुकून मिल गया हम लोगों को। कुशीनगर जिला से आए हैं हम लोग, शादी में आए हैं।
यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि जब जब इस दुनिया में इस धरती पर धर्म की हानि हुई है तब तब अधर्म का नाश करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है। इस वक्त बिरला मंदिर में हम मौजूद हैं और बिरला मंदिर जाने जाते हैं अपनी अलग कलाकारी को लेकर। कई शहरों में अलग अलग जगह पर देश में आपको ये देखने को मिलेंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर में क्या कुछ है और बाकी जगहों पर क्या कुछ है आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम बताएंगे। बिरला मंदिर देश के अलग अलग शहरों में बिरला परिवार की तरफ से बनाए गए हिंदू मंदिरों या मंदिरों को दर्शाते हैं। इन सभी मंदिरों का शानदार रूप से निर्माण किया गया है। और अपनी बेहतरीन वास्तुकला के लिए इन मंदिरों को जाना जाता है। इनमें से कुछ मंदिर सफेद संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर में बनाए गए हैं। बिरला मंदिर आम तौर पर एक प्रमुख जगह पर बनाए गए होते हैं और कुरुक्षेत्र में स्थित बिरला मंदिर को लेकर भी एक खास कहानी हमने जानी। ये मंदिर उस जगह बनाया गया है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। इस मंदिर को लेकर हमें क्या कुछ कहानी जानने को मिली आइए जानते हैं। देश के कई ऐसे प्रमुख शहर हैं जहां पर बिरला मंदिर मौजूद है और बिरला मंदिरों की अपनी ही एक अलग खासियत है। उसके बारे में बताने के लिए यहां पर मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस पत्थर से निर्माण किया गया है मंदिर का, क्योंकि आमतौर पर जो है संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर किस तरीके की प्रतिमा मौजूद है श्री कृष्ण भगवान की, विस्तार से बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये मंदिर श्री कृष्ण और अर्जुन का है। यहाँ पर अर्जुन को साक्षात रूप दिखा था कृष्ण ने युद्ध के समय में। ये संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है जी, और ये बिरला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। हम यहाँ पे काफ़ी समय हो गया है पुजारी रहते हुए, यहाँ काफ़ी समय हो गया पुजारी रहते हुए, और यहाँ की हर एक मंदिर में ऐसी प्रतिमा कहीं नहीं दिखाई जाएगी आपको। यहाँ ये प्रतिमा ज्योतिषर में भी नहीं है, जहाँ पर श्री कृष्ण का श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, और ये सिर्फ विराट रूप यहीं पर है। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर आज धर्म यात्रा हम कर रहे हैं और अब हम आ पहुंचे हैं मां भद्रकाली के मंदिर। जी हां, मां भद्रकाली का मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि 52 शक्तिपीठों में से एक है और यहां पर जो है माता सती का दाहिना घुटना गिरा था। लेकिन यहां पर ये मान्यता कैसे चली कि यहां पर घोड़े चढ़ाए जाएंगे, छोटे छोटे घोड़े चढ़ाए जाते हैं, चाहे वो चीनी मिट्टी की बात कर ली जाए या फिर चांदी की बात कर ली जाए, लेकिन ये मान्यता कैसे पड़ी आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम बताएंगे। तो बिरला मंदिरों की कहानी तो आपने जानी, कुरुक्षेत्र में स्थित बिरला मंदिर की तस्वीरें भी आपने देखी। इसके बाद धर्म यात्रा में हमने कुरुक्षेत्र में रुख किया भद्रकाली मंदिर का। आप सभी जानते हैं भद्रकाली मंदिर उन प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है जहां पर माता सती के अंग गिरे थे। और ये वही जगह है जहां पर माता भद्रकाली शक्ति के रूप में विराजमान है। तो हमने रुक किया माँ भद्रकाली के मंदिर का। ये ऐतिहासिक मंदिर हरियाणा की एकमात्र प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जहां पर माता भद्रकाली शक्ति के रूप में विराजमान है। श्री देवी कूप
भद्रकाली शक्तिपीठ का इतिहास दक्ष कुमारी सती से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमें इस मंदिर के बारे में और भी खास मान्यताओं के बारे में पता चला। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के दाहिने पांव का टखना गिरा था। लेकिन इसके अलावा हमें ये जानने की भी उत्सुकता थी कि यहाँ पर चीनी मिट्टी के, चांदी के, सोने के घोड़े क्यों चढ़ाए जाते हैं। इसे लेकर हमने वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बात भी की। जो श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुँचे थे उनसे भी बातचीत की। मंदिर शक्तिपीठ मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ कृष्ण भगवान जी ने पूजा की थी पांडव की लड़ाई के समय, महाभारत लड़ाई वाले। हम यहाँ आते रहते हैं, माता जो मांगते हैं माता से मिलता है। हम पंजाब फतेहगढ़ साहब सरहंद से आए हैं कि ये शेर यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, अगर कोई यहाँ मान्यता रखता है तो यहाँ चढ़ावा चढ़ता है। बड़ी मान्यता सुनी है, काफ़ी वर्षों से मैं सुन रहा था और मेरे मन में था कि मैं एक बार यहाँ आके माथा टेकूँ, क्योंकि इसकी बहुत ही मान्यता सुनी है। तो इसलिए मैं आज यहाँ करनाल से, मैं और मेरे साथ मेरे मित्र हैं आयुष कुमार जी, दोनों यहाँ से माथा टेकने आए हैं। माता सती के दाहिने पैर का टखना जो यहाँ पर गिरा था वो एक कूप के बीच में गिरा था, जिसके बाद अब उसे कमल के फूल में विराजित किया गया है। कमल का फूल बेहतरीन आकृति बनाई गई है और उसमें जो है दाहिने पैर का टखना जो है रखा गया है। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से इसे सजाया गया है मंदिर में, और इसी जो है पैर की या फिर यूं कहे कि दाहिने टखने की पूजा यहाँ पर की जाती है। उसके अलावा आसपास जो है ये आकृति के आसपास आप घोड़े देख पा रहे होंगे, ये सफ़ेद रंग के संगमरमर के घोड़े यहाँ पर बनाए गए हैं, आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। और जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है, जब श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी हो जाती है, तो इसी तरीके से के जो है चीनी के घोड़े यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, पेयर जो है वो चढ़ाना होता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब पांडवों ने युद्ध में जीत हासिल की थी तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर अपने रथ के घोड़े चढ़ाए थे, और उससे पहले जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो उस दौरान जो है वो यहाँ पर रुके, उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की, माँ भद्रकाली की पूजा अर्चना की गई। और पूजा अर्चना करने के साथ ही ये कहा गया कि हम अपने रथ के घोड़े यहाँ पर चढ़ाएंगे अगर हम जीत हासिल करते हैं युद्ध में, और ऐसा ही हुआ। पांडवों ने जीत हासिल की और उसके बाद यहाँ पर आकर उन्होंने चांदी के घोड़े जो है चढ़ाए थे अलग से, और उसके अलावा अपने रथ के घोड़े भी यहाँ पर माता के नाम अर्पित कर दिए थे। यहाँ पर मंदिर में मौजूद पुजारी जी से भी हमने मंदिर को लेकर खास बातचीत की, जिन्होंने मंदिर के निर्माण को लेकर खास बातें बताई। माँ भद्रकाली मंदिर के इतिहास को लेकर जब हमने पुजारी जी से बात की तो हमें क्या कुछ सुनने को मिला, क्या कुछ जानने को मिला, और इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में क्या नई बातें पता चली, आइए जानते हैं पुजारी जी से। ये मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। जब राजा दक्ष ने कनखल में यज्ञ रचाया हुआ था तो पार्वती जी और शंकर जी को नहीं बुलाया, फिर भी वो लोग बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में पहुँचे और वहाँ अपना कोई स्थान ना देखकर पार्वती जी, माता पार्वती गुस्सा होकर के हवन कुंड में जा गिरी। तो उसके बाद भगवान शंकर ने पार्वती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे और भ्रमण करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने पार्वती के शरीर को 52 अंगों में टुकड़ों में विभाजन कर दिया। वे अंग जहाँ जहाँ गिरे वो 52 शक्तिपीठ के नाम से जाने गए। यहाँ पे माँ सती का दाहिना पैर का टखना विराजमान है और यहाँ से श्रद्धालु अपनी मनोकामना करते हैं। जब वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग घोड़े चढ़ा के जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि महाभारत का युद्ध जब कौरव और पांडवों के साथ हुआ तो पांडवों ने यहाँ आकर माँ भद्रकाली की पूजा की और उनसे मनोकामना मांगी कि अगर मैं महाभारत के युद्ध में कौरवों से विजयी होते हैं तो विजय होने के बाद अपने रथ के घोड़े यहाँ मंदिर में हम दान करके जाएंगे। तब से लोग यहाँ पे मन्नत मांग के जाते हैं फर्स्ट टाइम, और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो दोबारा आकर के यहाँ घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। और ये भैरव जी की यहाँ पर एक प्रतिमा हम देख पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ मान्यता है? जहाँ शक्तिपीठ होते हैं वहाँ भैरव जी का स्थान जरूरी माना जाता है। पार्वती के साथ शिव के साथ शक्ति विराजमान होती है तो यहाँ पे शिव के रूप में भैरव जी विराजमान है, इनका नाम है स्थाणु भैरव।
मंदिर के निर्माण को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास, यानी कि मंदिर जब बना था उस वक्त से लेकर अब तक क्या कुछ बदलाव हुए हैं मंदिर में? ये काफी पुराना मंदिर है, ऐसा माना जाता है पांडव कालीन मंदिर है। निर्माण कार्य तो होता रहता है, लेकिन 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और माँ एक देवी कूप है यहाँ पे, उसी कूप में माता का दाहिना पैर का टखना गिरा हुआ था, तब से इस मंदिर का नाम श्री देवी कूप नाम से जाना जाता है। तो करीबन 5000 वर्ष पुराना है ये मंदिर, और श्री देवी कूप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कूप है यहाँ पर, और उसी जगह से जो है वो टखना मिला था देवी माँ का, माता सती का, और उसके बाद से जो है यहाँ पर उसे विराजमान कर दिया गया है, कमल के फूल में उसे जो है विराजित किया गया है। एक बार आपको दिखाते हैं हम तस्वीरों में, ये कमल के फूल बनाकर जो है उसमें टखने को विराजमान किया गया है। मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर में हमारी काफी आस्था है और काफी सालों से हम यहां पर माथा टेकने के लिए आते रहते हैं, और भद्रकाली माँ हमारी हर मनोकामना पूरी करती है। पूर्ण विश्वास है कि यहां पर कोई निराश होकर नहीं लौटता, बस ये कहते हैं भद्रकाली माता की जय। चिंता यही है, अभी जब से आने लगे हैं जो कुछ मांगते हैं सब कुछ पूरा हो जाता है। पे हम बहुत छोटे होते थे तब से आते हैं, मैं मैरिड हो गई हूँ, मैं तब भी यहाँ आई हूँ, और यहाँ की बहुत मान्यता है। तो अगर आप भी कुरुक्षेत्र का रुख करते हैं तो आप भी प्रसिद्ध शक्तिपीठ भद्रकाली माता के मंदिर में माथा टेकना बिल्कुल ना भूले। खबरें अभी तक के लिए शीनम शर्मा की रिपोर्ट। धर्म यात्रा में हम हर बार आपको सैर कराते हैं उन प्रसिद्ध मंदिरों की, उन प्रसिद्ध शक्तिपीठों की, जहां पर साल के 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। आज भी हमने आपको धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की सैर करवाई और आपने देखा मां भद्रकाली मंदिर में किस तरीके से मन्नतें लेकर लोग आते हैं। ब्रह्म सरोवर में आपने देखा कि ब्रह्म सरोवर में क्या कुछ खास था, बहुत सारी खूबसूरत चीजें और बहुत सारी धर्म से जुड़ी, आस्था से जुड़ी चीजें आपको कुरुक्षेत्र की धरती पर आज देखने को मिली।